अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो देखिए, आज मैं बनाने वाली हूँ समोसे की पट्टी। तो है ना कुछ यूज़फुल सा चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना है आपको। तो ये देखिए, मैंने मैदा को पानी और नमक के साथ भून के लिया था और साथ में मैं थोड़ा सा मैदा और तेल ले लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने आटे को गूंद के लिया है, कड़क गूंद के लिया है मैंने, क्योंकि हमें इसका छोटे छोटे पेड़े बना के इसका रोटी बेलना है पतले पतले। इसके लिए हमें इसे थोड़ा सा कड़क गूंदने का है। ये देखिए, इस तरह से मैंने गूंदा है आटे को। अब इसको मैं ये करके इसका पेड़े बना लूँगी। अगर ये मैदे की आटा गूंदते टाइम पतला हो जाएगा तो हमारा रोटी बेलते टाइम टूट सकता है, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा सख्त गूंदना है। ये समोसे की पट्टी हम घर में ईजिली बना सकते हैं, कोई हार्ड काम नहीं है इसमें। ये देखिए, जब चाहे हम बना सकते हैं घर में। ये देखिए, मैं इस तरह से एक जैसा कट करके इसका पेड़ा बना लूंगी। इस तरह से पेड़े को हम चपटा करके ले लेंगे, सारे ऐसे करके ले लेंगे हम एक एक करके। इस तरह से मैंने 8 पेड़े बना लिया है। तो मैं चार चार करके रोटी बेल के आपको आगे बता दूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने रोटी को बेल लिया है और मैं ऐसी 4 रोटी बना के आपको बताती हूँ आगे। अब देखिए, मैंने एक एक करके 4 रोटी को बेल लिया है। इसके ऊपर मैंने तेल लगा दिया है। अभी सूखे आटे ऊपर से लगा दूंगी मैं इस तरह से करके मैं 4 रोटियों को एक एक करके
एक के ऊपर एक बिछाते जाऊंगी इस तरह से। अभी देखिए मैंने बिछा दिए हैं। अब मैं डाल दूंगी तेल, पूरा स्प्रेड कर दूंगी चारों ओर। फिर इसके ऊपर मैं सूखा आटा लगा दूंगी, फिर रोटी चिपका दूंगी इस तरह से। मैंने 8 रोटी का ये लिया था, पेड़ा लिया था, उसका मैंने 4-4 रोटी का 2 डिवाइड किया और इसे इस तरह से मैं 4 रोटी को बेल के चिपकाते जाऊंगी एक के ऊपर एक करके। 4 रोटी को चिपका के इसे थोड़ा सा बेल लूँगी। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए मैंने चौथा रोटी को भी चिपका दिया है। अभी हम इसे सेक देते हैं तवे पे। मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसे गरम करके लिया है मैंने, और आंच को हमें स्लो रखना है इस तरह से। इसी स्लो आंच पे हमें दोनों साइड सेक के लेने का है। देखिए जैसा वो सिक जाएगा तो वो अपना खुलता जाएगा साइड से रोटी अपना एक एक सिंगल। साइड से ये सीख गया है। अब मैं इसे टर्न कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए वन साइड सीख गया, तो ये देखिए खुलते जा रही है रोटी इस तरह से। अब हम इसे हल्का सा सेक लेंगे और इसे निकाल देंगे बाहर। तो देखिए अब मैंने दोनों साइड से सिखा के हो गया है। ये देखिए इस तरह सेपरेट हो रहा है रोटी। तो ये हमारा रोटी बन के तैयार हो चुका है। इसे हमें ज़्यादा नहीं सिखाना है, ज़्यादा सिखाएंगे तो ये टूट सकता है। तो चलिए उतार देते इसे। इस तरह से मैं और भी एक रोटी बना के ले लूंगी, फिर एक साथ में आपको कटिंग करना दिखा देती हूँ आगे। तो चलिए रोटी को उतार दिया है। अब मैं इसे कट लगा दूंगी। देखिए इस तरह से मैं साइड्स निकाल दूंगी। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से दोनों साइड से हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से है ना, ये साइड से भी निकाल देंगे कट करके। ये हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। मैं आपको आगे बताती हूँ इसका भी क्या करना है। देखिए दोनों साइड से निकाल दिया हमने। अभी हम ऊपर के साइड से निकाल देंगे इस तरह से। देखिए इजीली कट हो जाती है ये, है ना, इजीली हो गया ना ये। इसे भी हटा देते, साइड में रख देते। अभी ये साइड का निकालते हैं। अभी इस तरह से करके हम निकाल के हमारा एक रेक्टेंगल शेप बन जाएगा। हमारी ये रोटी बनके तैयार हो जाती है। हम गैस से उतार देते हैं। तुरंत हमें ये कटिंग करके लेना है या फिर आपको थोड़ी देर बाद में करना है तो इसे कपड़े में लपेट के रखना है। इससे क्या होगा, हमारे रोटी को हवा लगने से ये हमारा सॉफ्ट नहीं रहेगा, है ना। तो फैन भी नहीं लगाना हमें इस कटिंग करने के टाइम में। जैसा कटिंग हो जाएगा अगर आपको बनाना है तो उसी टाइम बना लीजिए। अगर नहीं बनाना है तो इसे एक प्लास्टिक के इसमें रैप करके मैं आगे आपको बताती हूँ फ्रिज में रख दीजिए। एक दो दिन के बाद भी आप आराम से बना सकते हो इसे। तो देखिए मैंने समोसे की पट्टी को कटिंग कर लिया है। देखिए ये सेम लग रहा है ना बाहर के जैसे हम बाहर से लाते हैं। देखिए उससे भी पतले पतले बने हैं ये। देखिए इस तरह से हमें रैप करना है समोसे को। देखिए बहुत अच्छी बनती है ये। ये देखिए इस तरह से है ना। ये देखिए इस तरह से मैं इसे प्लास्टिक में पैक करके इसे फ्रिज में रख दूँगी, फ्रीज़र में, ऊपर की इसमें रख दूँगी मैं डीप फ्रीज़र में। तो आपका आराम से रहेगा, 2 से 4 दिन इसे आराम से आप रख के बना सकते हो समोसा। ये देखिए इस तरह से मैं रख के प्लास्टिक में कवर कर लूँगी और एक डब्बे के अंदर डाल के इसे ढक के रख दूँगी।
तो देखिए मैंने जो साइड साइड कटिंग किया था, आप सोचे होंगे मैं उसका क्या बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं इसका पापड़ी का शेप में कट कर लूँगी, पतले पतले। ये देखिए इस तरह से मैं कट कर लूँगी सारे एक साथ। ये देखिए ऐसे करके मैं सारे कट करके ले लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इस तरह से काट लिया पतले पतले। अब मैंने तेल लिया है कढ़ाई में, इसमें हम फ्राई करके ले लेंगे, गोल्डन फ्राई कर लेंगे, एकदम क्रिस्पी बनता है ये। ये पापड़ी तैयार होने के बाद हमें इसका एक चाट भी बना सकते हैं, जैसे कि हम हरी चटनी, थोड़ा सा प्याज टमाटर काट के इसकी थोड़ा सा छूर के हम इसे एक स्नैक्स के तौर पर चाय के साथ में बड़ा अच्छा लगेगा है ये। तो अभी देखिए ये ब्राउन हो चुका है, इसे मैंने निकाल दिया है। देखिए किस तरह से बना है ये, एकदम क्रिस्प बना है। ये देखिए इस तरह से टूट रहा है, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ये खाने के लिए। ये देखिए आप भी बनाइए इसे घर में। तो अभी देखिए मैं इसे एक लाल मिर्च और नमक डाल के इसे मिक्स करके एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी समोसे की पट्टी की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपी के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।